मुनियों के मन में संदेह की आग सुलग उठी थी। कुछ मुनि ब्रह्मा जी का तो कुछ मुनि शिव जी का तो कुछ मुनि भगवान विष्णु जी का पक्ष लेकर झगड़ने लगे। शैव मुनियों ने कहा कि शिव जी ही अधिक समर्थवान है, तो वैष्णव मुनियों ने बताया कि विष्णु जी ही सबसे समर्थ है। कुछ मुनियों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का समर्थन किया। इस प्रकार मुनिजन अपने अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए अन्य देवों की निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने झगड़ालू नारद जी को कोसा। सारा यज्ञ कार्य तितर बितर हो गया। मंत्र पाठ वाद विवाद में बदल गया। सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। यह देखकर कुछ वृद्ध मुनियों ने कहा, हे मुनियों, आप सभी ज्ञानी हैं, धर्म और अधर्म को जानने वाले हैं और भले बुरे की पहचान करने वाले हैं। आप लोगों का इस तरह आपस में लड़ना झगड़ना वाद विवाद करना शोभा नहीं देता। कोई सुनेंगे तो हंस उठेंगे। आप में से कुछ लोगों ने नारद जी को कोसा। वह अच्छा नहीं है, क्योंकि नारद जी ने तो समस्या उठाई है, वह बहुत अच्छी है। भगवान के महत्व को जान लेना भक्तों का कर्तव्य है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों में से सत्वगुण प्रधानता ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए यह जान लेना समुचित है कि त्रिदेवों में कौन सत्वगुण प्रधान है। त्रिमूर्तियों की सामर्थ्य और महत्व की परीक्षा ले सकने वाले मुनिश्रेष्ठ को भेजकर इस संदेह का निवारण कर लेना ही चाहिए। इस बात से सभी मुनि संतुष्ट हुए। किंतु त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। सभी सोचने लगे कि इस कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है। कुछ मुनियों ने कहा, इस कार्य के लिए भृगुरह महर्षि ही योग्य है। उन्होंने अपनी तपस्या से कई शक्तियों को संप्राप्त किया है, उन्हीं को परीक्षा अधिकारी बनाना अच्छा होगा। दूसरे लोगों ने इस बात का समर्थन किया। भृगु महामुनि ने सभी सभा के आदेश सिर आँखों पर रख लिया। उन्हें मन में शंका हुई कि यह तो आग से खेलने के समान है, फिर भी वे चल पड़े। ब्रह्मा जी भरी सभा में सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उस सभा में एक और महर्षि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ सूर यक्ष गंधर्व किन्नर आदि देव जाति के सभी महानुभव शोभायमान थे। ब्रह्मा जी उन्हें वेदों के अर्थ समझा रहे थे। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे थे। उस समय भृगु ऋषियों ने प्रवेश किया। सभा में आते ही एक बार सभा को देखा तो दूसरी बार ब्रह्मा जी की ओर देखा और बिना नमस्कार किए वे बड़े गर्व से जाकर एक ऊंचा सिंहासन पे बैठ गए। भृगु मुनि ने आगमन से ही सभी सभासद प्रसन्न हो चुके थे, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रति भृगु की लापरवाही उन्हें बुरी लग रही थी। वे दबी आवाज में ब्रह्मा जी के अपमान की ओर और भृगु की गर्व की चर्चा करने लगे। भृगु ऋषियों का यह व्यवहार ब्रह्मा जी को भी अपमानजनक लगा। सभा मर्यादाओं का अतिक्रमण कर नमस्कार तक किए बिना बैठे हुए भृगु को देख उन्हें क्रोध आया। आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी करके और कठोर स्वर में वे बोले, अरे भृगु, मेरे वश में पैदा होकर धर्म अधर्म को जानते हुए बड़ी तपस्या करके महिमा को प्राप्त करके तभी भी तुम सभा के गौरव को निभा न सके। नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख हो। इतना गर्व, इस सभा का अधिपति मैं हूँ और मुझे नमस्कार किए बिना ही मेरी अनुमति के बिना ही तू आसन पर बैठ गया। अपनी तपस्या शक्ति पर इतना गर्व हो गया
तुम तपस्या में किससे बड़े हो? यहाँ अत्रि, गौतम, जमदग्नि एक से एक महामुनि बैठे हुए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भृगु को खूब फटकारा। भृगु ने मन ही मन मुस्कुरा पड़े और सोचा, इन ब्रह्मा जी को कितना अहंकार है, मैं नमस्कार न करूं तो इनके बड़प्पन में कौन सी कमी आ जाती है। शांतजनों को दूसरों की निंदा स्तुतियों से क्या काम। आत्माभिमान से युक्त राजसगुण प्रधान व्यक्तियों को ही गर्व होना चाहिए और उन्हीं को गर्व होता है। तब ब्रह्मा ने सत्वगुण की अपेक्षा रजोगुण की प्रधानता है यह सोचकर ब्रह्मा जी की बातों का जवाब दिए बिना ही भृगु जी वहाँ से निकल पड़े। ब्रह्मा जी की बात तो खुल गई है, अब शिव जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि कैलाश पहुँचे। नंदीश्वर, भृगीश्वर, चंडीश्वर आदि प्रथम शिव नाम में स्मरण थे। कैलाश पर्वत पर जहाँ सुनिए वहाँ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का नाद के सिवा कुछ भी नहीं था। भृगु मुनि सीधे परमेश्वर के मंदिर के पास गए। द्वारपाल से पूछा, तुम्हारे शिव जी क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हे मुनि, इस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एकांत में है, अब आपको उनके दर्शन नहीं होंगे, आप फिर भी किसी समय आइए। भृगु ने सोचा, यही ठीक समय है शिव जी की परीक्षा लेने के लिए। ऐसा सोचकर द्वारपाल को के रुकने पर भी भृगु महर्षि शिवजी के एकांत मंदिर में पहुंच गए। अन्य पुरुष को देखकर पार्वती जी माता भगवान के पास से दूर हट गई। एकांत में बैठे हुए पति पत्नी के पास जाना अनुचित है यह जानते हुए भी मंदिर घुस आए मुनि को देखकर शिवजी को अत्यधिक क्रोध आया। वैसे ही वे रुद्र हैं, रुद्राकार के आँखों में आग बरसने लगी और शिवजी बोले भृगु महर्षि को, रे मूर्ख, अवस्था में बैठे होकर भी असभ्य के समान व्यवहार तुमने किया है। पति पत्नी के एकांत मंदिर में पर पुरुषों का आना कहाँ उचित है? भीतर आने की तुम्हें आज्ञा किसने दी? बिना आज्ञा के तुम भीतर आए ही कैसे? समझ रखा था कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, ब्रह्मवंश में पैदा हुए हो, महातपस्वी हो, किंतु यह नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख हो। तुमने तो वेदों का अध्ययन किया है, धर्म अधर्म की बातें तुम जानते हो, पति पत्नी को एकांत स्थल में देखना कितना पाप है यह भी तुम जानते हो, यह सब जानते हुए भी तुम्हें कितना घमंड, आप कैसे भीतर आ गए, यह कितनी जग हसाई की बात है, अब मैं तुम्हें शाप दे दूँ तो कैसे? छे, तुम तो महामूर्ख हो, तुम्हारा तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, चले जाओ यहाँ से। इस प्रकार जोर से चिल्लाते हुए शिवजी ने मुनि को फटकारा। भृगु ने चू तक नहीं की, चुपचाप वहाँ से सब कुछ सुनते हुए और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। आहा, क्रोध के कारण महान व्यक्ति भी विवेक ज्ञान खो देता है। आदि देव शंकर को मुझ पर इतना क्रोध आया, महाविरागी स्मशानों के वासी को इतना क्रोध हुआ, इसका कारण यह तामस गुण है। तामस गुण प्रदान होने से ही सर्वज्ञ होते हुए भी इस प्रकार क्रोध दिखाया, इनके बड़प्पन की पोल भी खुल गई। अब यहाँ रहना भी यहाँ बेकार है, अब मैं जाऊँगा वैकुंठ। ऐसा सोचकर भृगुजी वहाँ से वैकुंठ की ओर चल पड़े। श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान होने के कारण वैकुंठ नगरी शोभा संपन्न थी, सभी प्रकार के धन वैभव से युक्त थी। ऐसे वैकुंठ नगरी में प्रवेश करके भृगु मुनि सीधे ही विष्णु जी के मंदिर में गए। उस अवसर पर श्रीहरि शेषशय्या पर लेटे आराम कर रहे थे, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। दूर से ही स्वामी को मन में नमस्कार कर भृगु जी निर्भय हो भगवान के पास गए और छाती पर एक लात जमाई। लक्ष्मी जी चकित सी हो गई, लात खाकर भी भगवान क्रुद्ध नहीं हुए। शैया से उठकर भृगु जी के चरण पकड़कर शांत स्वर में बोले, हे महामुनि, आज मेरे लिए
बड़ा सुदीन है। आप जैसे तपोनिधियों के चरण रज के स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र बन गया है। आज मोक्ष लक्ष्मी धन्य लक्ष्मी बन गई है। मेरे शरीर से लगातार आपका पैर लगकर आपका पैर दुख रहा होगा। कृपया आपके चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उनकी चरणों की ओर देखने लगे और बोले, स्वामी आप महानुभव हैं, आपके मन की बात को मैं समझ गया हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका काम सफल बन गया है। विष्णु जी के परम शांत स्वभाव से भृगु मुनि बड़े प्रसन्न हुए और छाती पर लात मारकर भी जो पाप किया उसके लिए पश्चाताप करते हुए बोले, हे रामनाथ, हे जगन्नाथ, सभी मुनियों ने मिलकर इस कार्य को मेरे सिर पर डाला है। भगवान आप हो, आपको तो लात मारकर मैंने बड़ा पाप किया है। मुझ जैसा पापी और कौन होगा? यह पाप दूर होगा कैसे? मेरे इस दोष को क्षमा कर मेरी रक्षा करो प्रभु। इस प्रकार भृगु ने भगवान विष्णु से विनय श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि तुम दुखी मत बनो, मैं तुम्हारे मन की बात को समझ गया हूँ। तुम यह पाप करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारे कारण हमारा महत्व जगत में विदित होगा। जाओ, तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह भृगु को संतुष्ट करके भेज दिया। भृगु मुनि बड़े आनंद के साथ भूलोक में चले गए और सभी मुनियों को भी महाविष्णु के महत्व को बताया और सारा यज्ञ फल भगवान विष्णु को समर्पित कराया। भृगु जी के कार्य से विष्णु के वक्षस्थल में रहने वाली माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा क्रोध आया। ऐसे पाप कार्य को करने वालों को भी आपने दंड नहीं दिया? इस पर वे और भी क्रुद्ध हो गई और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, हे प्रभु, उस भृगुमुनि का घमंड देखिए। 14 भुवनों के आप स्वामी हैं, आपकी छाती में लात मारने का साहस उसने कैसे किया? इंद्र आदि समस्त देवताओं से आप पूजित जाने वाले हो और आपको लात मारना यह घोर अपमान है। यही नहीं, आपका वक्षस्थल यह मेरा निवास स्थान है। आपकी छाती पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना। उस दुष्ट का सर्वनाश कर दूंगी। उसका क्या, भगवान विष्णु ने कहा, उसका क्या दोष है? ऐसे दुष्ट को आपने क्षमा नहीं किया, ऊपर से प्रशंसा कर रहे हैं? ऐसी माता लक्ष्मी बोली, शायद आपको प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन मेरा दिल तो जल रहा है। लक्ष्मी जी ने अपना सारा क्रोध भगवान नारायण को दिखाया। महालक्ष्मी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर नारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्राणप्रिय, भक्त और भगवान के नाते को तुम समझ नहीं पाओगी। भक्तों के मन की बात को जानना कठिन है। भक्तों के मन में मेरे विषय या मेरे सिवाय कोई नहीं रहता। भृगु जी महामुनि है, वे ब्रह्म ज्ञानी है, परम भक्त है। मेरा भक्त होकर वे मेरा अपमान कर सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। वे किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे, उनमें गर्व का लेश मात्र भी नहीं था। हम अपने ही भक्तों को कैसे दंड दे सकते हैं? संतान के कार्य से माता पिता नाराज क्यों होंगे? तुमको शांत ही होना चाहिए। किंतु भगवान के ये वाक्य लक्ष्मी जी को अच्छे नहीं लगे। वह भृगु को क्षमा नहीं कर सकती थी। वह रोष के साथ बोली, प्रभु, भृगु का कार्य आपको अच्छा लगे तो लगे, लेकिन मैं तो क्षमा नहीं कर सकती। अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो मैं अब इस क्षण एक क्षण भी वैकुंठ में नहीं रहूंगी। आपसे आज से आपका रास्ता अलग
और मेरा रास्ता अलग। मैं वैकुंठ छोड़कर भूलोक में चली जाऊंगी। उस दृष्ट ने हम दोनों को अलग कर दिया है। ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कार्यों से हीन और दरिद्री बनकर विद्याओं को बेचते हुए जीवन संपन्न करेंगे। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। भृगुमुनि के अपराध से समस्त ब्राह्मण जाति को शाप का फल भोगना पड़ा। पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद कर के तपस्या कर लेना बहुत अच्छा है। यह सोचकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पति पर प्रेम और सुखों से आसक्ति तजकर भूलोक में आ गई। भगवान विष्णु ने बहुत अनुनय किया किंतु लक्ष्मी जी नहीं मानी। भूलोक में आकर घोर अरण्यों को, भयंकर पर्वतों को, गंभीर नदियों को पार उन्होंने किया और ग्राम और नगर को पार करके अंत में गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुरम में एक पर्णशाला बनाकर लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी।